वेलकम फ्रेंड्स, ये सी जी ओपम के अंतर्गत आने वाले हिंदी के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही सरल है, लेकिन आदमी उस टाइम उसका दिमाग नहीं चल पाती ठीक से, तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक्स बताए हम लोग, है ना। तो आज के जो पहला नंबर का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार के अंतर्गत देखें तो स्वर और व्यंजन को पढ़ेंगे। तो स्वर, स्वर कितने प्रकार से होते हैं, है ना। एक्चुअली में जो आ से लेकर जो आह तक का होता है उसको हम लोग स्वर नहीं बोल सकते कि स्वर केवल 11 है। कितना है? 11। वैसे 13 बोलते हैं, लेकिन जो अम है और आह है ना, इसको हम लोग स्वर के अंतर्गत नहीं लेते हैं, है ना। इसको हम लोग अनुस्वर और इसको विसर्ग अलग अलग तरीक़े से लेते हैं। तो उच्चारण, पहला पॉइंट आता है स्वर कितने प्रकार कैसे होते हैं। सबको स्वर को अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है। तो पहला आता है उच्चारण के आधार पर स्वर, है ना। पहला आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है? ह्रस्व स्वर। तो सीधी बात यह है कि आप ऐसे रटोगे तो समझ नहीं आएगा ना डायरेक्टली। आप क्या करोगे कि जिस के उच्चारण में कम समय लगती है, जैसे कि अ ई उ, जैसे कि हम लोग बड़े आ को बोलेंगे क्या बोलेंगे, आ ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर ऐसा है जिसको उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे कि आ ई उ। दीर्घ स्वर क्या है? बस उसके विपरीत क्या है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे। ह्रस्व स्वर से क्या होता है? ज़्यादा समय लगे, तो उसको हम लोग कौन स्वर बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। जैसे कि आ ई, बड़ी छोटी को नहीं कहेंगे, बड़ी, बड़े उ, ए, ठीक है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहती है कि छोटे ए को हम लोग ह्रस्व स्वर में क्यों नहीं लिए हैं, है ना, जबकि बड़े बड़े दीर्घ स्वर में, क्योंकि ए को बोलने में टाइम लगता है, इसलिए इसको ना ह्रस्व स्वर में नहीं लिया गया है, दीर्घ स्वर में लिया गया है। प्लुत स्वर, तीसरा नंबर का प्लुत स्वर। तो इसमें क्या होता है कि जिस स्वर को उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे ह्रस्व स्वर से ज़्यादा, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा उच्चारण करने में टाइम लगता है उसको दीर्घ स्वर बहते हैं, और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा उच्चारण लगता है उसको प्लस स्वर करते हैं, जिसके राम, है ना। अधिकतर इसका उपयोग ना जो नाटक है संवाद उसमें किया जाता है, है ना, राम, जैसे कि ये है ऐसा, है ना, पूर्व रूप स्वर संधि में यूज़ होता है इसका, है ना। तो इस तरह से ये उच्चारण के आधार पर। दूसरा, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ को हम लोग किस तरह से प्रयोग में लाते हैं और उसी के आधार पर ये स्वर है। पहला, अग्रस्वर। पहले कई जन क्या माइंड में रहता था कि अ से लेकर ये जो आह तक जो स्वर है, ये अनुस्वर है, विसर्ग है, तो यहाँ से जो सामने में है वो अग्रस्वर है, और बीच में वो मध्य स्वर है, और पीछे में वो पश्च स्वर है। इस कई बार ऐसे माइंड में आता है, है ना, स्टूडेंट्स के, कि आगे का अग्रस्वर, बीच का मध्य स्वर, जी आ आ ई ई अग्रस्वर हो गया, और ए ओ ए ओ औ ये जो भी है वो मध्य स्वर, और अम आ है वो पश्च स्वर। ऐसा नहीं, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। जीभ के प्रयोग के आधार पर ही हम लोग बोलते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर, और क्या है? पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्रस्वर आता है पहला, है ना। तो क्या होता है कि जिस स्वर को चरण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे कि ई बोलते हैं ना, ई ई, तो आपका जीभ है वो सामने की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है, ए ए, अब सामने की तरफ थोड़ा सा निकल रहा है जीभ, इसका मतलब हो रहा है कि जीभ का जो अग्रभाग है, कौन सा भाग है? अग्रभाग है, उस अग्रभाग का यूज हो रहा है, अग्रभाग का यूज हो रहा है। तो अग्रस्वर मतलब जिन स्वरों के चरण में जीभ का अग्रभाग काम आता है अग्रस्वर कहलाता है, जैसे कि ई, बड़ी ई, ए, ए, ठीक, इसमें आपका जीभ छोटा सा थोड़ा सा बाहर निकलता है। दूसरा आता है मध्य स्वर, है ना। तो जिन स्वरों के चरण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, अब जीभ का ये जो सामने भाग है, मध्य भाग है, अंतिम भाग है, ठीक है, तो जीभ का मध्य भाग आता है, जैसे कि आ, ऐसा लगता है कि बीच का जो जीभ का बीच का भाग है ना, तो सामने लिखा रहा है तो पीछे जा रहा है, है ना, जीभ है वो, तो ये मध्य स्वर है वो आ है, जैसे कि पश्च स्वर। अब क्या होता है कि जिन स्वरों के चरण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे कि आ ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा फील होती है कि सबसे पीछे वाला भाग से आवाज़ आ रही है, आ उ ओ ओ आओ आओ, ऐसे करेंगे तो जो जीभ का यहाँ से, है ना, ये जो पश्च भाग है ना, इस भाग से आवाज़ आ रही है। ऐसी कुछ आवाज़ तो जीभ से कभी नहीं आती ना, आवाज़ तो स्वर यंत्र से आता है, ठीक है, फायरिंग से आती है, लेकिन क्या लगता है कि अपने को एहसास होता है कि जो आवाज़ है वो जीभ के पीछे वाला भाग है वो कार्य कर रहा है, तो ये पश्च स्वर है, है ना। तो ऐसे बोलकर देख लेंगे तो आ ओ ओ ऐसा, ठीक है, तो ये हो गया पश्च स्वर, ठीक है। अब आता है होंठों की स्थिति के आधार पर, जैसे वृत्त क्या है, ऐसे गोल हो जाता है वो वृत्त है, हमारा होंठ है ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन जो गोल हो जाती है तो वृत्त होती है। अब इसको वृत्त क्यों बता रहा हूँ भाई, टाइम पास के लिए। आगे देखिए, होंठों की स्थिति के आधार पर,
होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो होंठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, है ना। अवृत्तमुखी क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ है वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे कि अ बोलकर देखिए, जो होंठ है वो गोल नहीं होता है, ऐसी चीज कैसे रहता है, आ आ ई ई ए ए, इसमें होंठ है वो गोल नहीं होता है, अर्थात ये क्या है, अवृत्तमुखी है। अब आता है वृत्तमुखी, तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ है वो वृत्तमुखी हो जाती है। ऊ बोलेंगे तो हमारे जो होंठ है ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ा गोला टाइप से दिखाएगा, ऊ ऊ ओ आओ ऐसा बोलेंगे तो, ठीक है, तो वृत्तमुखी है। आगे आता है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, ठीक है, जैसे कि अ अम आहा इन, यहाँ पर मस्ते लग जाता है ना, वहाँ नाक से निकलती है, तो ये अनुनासिक है। क्या है अनुनासिक, जब हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन का कौन सा वर्ण अनुनासिक होता है, तो पंचम वर्ण अनुनासिक होता है, ठीक है। जैसे कि क ख ग घ अंग ऐसा करेंगे ना, तो अंग में ना रहा है ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ यम भी आ रहा है नासिक, ठीक है। तो ये लास्ट वाला पंचम है, 1 2 3 4 5 5। निर अनुनासिक, यदि हवा मुख से निकलती है, अ आ ई, जैसे मस्ते आ जाए उसमें नाक से निकलती है, और मस्त नहीं मतलब मुंह से निकलती है, तो निरुनासिक, इसको हम लोग मौखिक भी कहते हैं, मौखिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। आगे आता है व्यंजन, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं व्यंजन में, है ना। तो ये जो व्यंजन है इसको समझने के लिए आपको एक ट्रिक से याद करना पड़ेगा, है ना। ये व्यंजन है हर साल हर लगभग लगभग सभी व्यापक क्वेश्चन में आते हैं, एकदम परफेक्ट है, ये आना ही तय है, है ना। और अलग अलग जो पेपर्स होते हैं, जैसे पटवारी वगैरह का होता है, आरआई का, इसमें हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, व्यंजन को समझने, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। व्यंजन तो अलग अलग तरीक़े से अलग अलग बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर पहला व्यंजन कैसे बांट, देखिए इसको आपको ये याद करना पड़ेगा, कंता मूद ओ आ उषम द्वी, कंता मूद ओ आ उषम द्वी, क्या लिखे समझ रहे हैं, कंता मूद ओ आ उषम द्वी, इसको याद कर लीजिएगा आप, है ना। ये छोटा सा ट्रिक है, बार बार याद करेंगे हो जाएगा, कंता मूद ओ आ उषम द्वी। अब आपको क्या लिख देना है, कंता मूद को क्या लिख देना है, लाइन से लिख देना है, जैसे कि कंता मूद ओ आ उषम द्वी, ये लिख दिया मैं लाइन से, है ना। अब क्या करना है अपने को कि क से क्या होता है, कंठव्य, का से क्या होता है, कंठव्य। तो आपको पांच तक, 1 2 3 4 5 पांच तक आपको पांच वर्ण लिखना है, ठीक है, पांच तक आपको पांच व्यंजन लिखना है, पच पच व्यंजन लिखना है, कैसे लिखना है, कंठव्य, क ख ग घ अंग पांच ही वर्ण, पांच ही व्यंजन। त से आता है तालव्य, च छ ज झ इया पांच वर्ण, पांच अक्षर, पांच व्यंजन। तीसरा आता है मु, मु से आता है मूर्धन्य, ट ठ ड ढ न, फिर पांच। और द से आता है दंत्या, त थ द ध न, फिर पांच। ओ से आता है ओष्ठ, प फ ब भ म, तो पांच तक आपको पांच पांच ही लिखना है, है ना। अब क्या करना है अपने को कि जो बचे हुए चार और हैं इसमें चार चार लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट हम लोग केवल दो ही लिखेंगे, तो कल तीन तक, है ना, छठवा सातवा और आठवा, यहाँ तक हम लोग केवल तीन चार चार ही वर्ण लेंगे, ठीक है। ओष्ठ हो गया, अब आ या तो अ से आपका होता है अंतस्थ, अंतस्थ, है ना। तो इसमें केवल कितने वर्ण लेने हैं, चार, क्योंकि हम लोग ऊपर पांच पांच लिए हैं, ठीक है। चार में क्या लिखेंगे कि प फ ब भ म य र ल व, केवल चार ही, ठीक है। ऊ से क्या आएगा, ऊ से आएगा उष्ण, उष्म बोलते हैं इसको, उष्म, है ना। तो उष्म व्यंजन में क्या आएगा, फिर से य र ल व स स स ह, इतना आएगा। आगे आएगा संयुक्त, स से क्या है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, दो चीज से जुड़ा, जैसे कि छ, छत्र, ग्य, स्र, स्र, तो संयुक्त इसलिए मतलब दो से जुड़े, जैसे कि छ है, छ किससे जुड़ता है, आधा क और स बनाएंगे तो क्या बनेगा, छ बनेगा, ठीक है। तो ये संयुक्त है। उसके आता है द्विगुण, लास्ट आता है द्विगुण, द से क्या है, द्विगुण, द्विगुण में क्या हो जाएगा, अपना पढ़ा और पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से ये व्यंजन जाने के तरीके, ठीक है। आई का
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्यंजन को हम लोग पहले तो बांट दीजिए सर नॉर्मल है ना, अब दूसरा और अलग अलग तरीक़े से और बांटते हैं, जैसे कि अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण व्यंजन क्या है ना, ये तो कंठव्यत व्यंजन क्या है, तालव्य व्यंजन पूछेंगे तब की बात है, अब अल्प प्राण वाले व्यंजन क्या है, तो अल्प प्राण के लिए क्या करना है अपने को है ना, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांट गया, बाह्य प्रयत्न के आधार पर ठीक है ना। अब अल्प प्राण क्या है, तो यदि मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा कम हो, मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा हाँ वो क्या हो, कम हो, जैसे कोई भी वर्ण हम लोग बोलते हैं, कोई भी वर्ण को हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, मुंह से सांस निकलती है ना थोड़ी मात्रा में, या तो अ थोड़े से मात्रा में लिखे तो आ बड़ी मात्रा में निकली, मतलब क्या होता है कि हम लोग अभी व्यंजन को बांट रहे हैं, स्वर के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उदाहरण तो मैं स्वर के दिया, तो अब अल्पप्राण व्यंजन कितने प्रकार से होते हैं, किस तरह से बनते हैं ठीक है, तो ये बताया मैं कि यदि मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा क्या हो, कम हो है ना, तो क्या कहलाएगा, अल्पप्राण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा ठीक है। अब अपने को क्या बताना है ना, तो प्रत्येक जो वर्ण समूह है, ये पूरा वर्ण समूह है, उस वर्ण समूह के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग कौन सा वर्ण है, ये प्रथम वर्ण है, द्वितीय वर्ण है, तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, पंच ऐसे होगा ठीक, ये वर्ण है पंचवर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण ऐसा ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 वर्ण ऐसा नहीं बोलना, यहाँ से पंचम वर्ण खत्म, यहाँ से फिर पहला लगा फिर पंचम वर्ण, ऐसे वर्ण बोलते हैं ठीक है, इसी के आधार पर आपको समझना है अल्प प्राण को। तो मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा कम हो से हम लोग बोलते हैं अल्प प्राण ठीक है, ये तो हम लोग जान गए अल्प प्राण कहते हैं है ना, क है ग है ठीक है ना। अब हम लोग क्या होता है कि अब अल्प प्राण तो नॉर्मल हम देख कर नहीं जान सकते, तो वर्ण को देख कर जानते हैं, जिसको देख कर जानते हैं वर्ण, तो प्रत्येक वर्ण समूह का पहला तीसरा पंचम वर्ण, पहला तीसरा और पंचम वर्ण, प्रत्येक समूह का वर्ण समूह का पहला प्रथम तृतीय और पंचम, ये द्वितीय और ये तृतीय है ना, तो द्वितीय तृतीय को छोड़ना है, तो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ को छोड़ना है ठीक है, किसको नहीं छोड़ना है, तृतीय को, तृतीय बोल दिया था ना मैं, तो ये प्रथम तृतीय और पंचम, पहला तीसरा और पांचवा, तो मुंह से निकलने वाली सांस की मात्रा कम हो तो वो अल्प प्राण कहलाता है, तथा वर्ण समूह का पहला तीसरा पंचम वर्ण ठीक है अल्प प्राण होता है, क्या होता है, अल्प प्राण होता है ठीक है। तो ये च है, च ट त प, ये सब क्या है, अल्प प्राण है ठीक है, और यहाँ से ये भी अल्प प्राण है। अब यहाँ तक नहीं जाना, इसके बारे में कुछ अलग नियम बताऊंगा मैं ठीक है, ये अल्प प्राण है ना। अब हम लोग एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पहला पॉइंट ये हो गया कि मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा कम हो तो अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वर्ण समूह का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि समस्त अंतस्थ ठीक है, समस्त जो अंतस्थ है, अंतस्थ कहाँ पास है, ये वाला या रा ला वा है ना, ये भी अल्प प्राण ही है पूरा कंप्लीट, इसमें कोई पहला दूसरे वर्ण को नहीं देखना है, तो या रा ला वा ठीक है, ये पूरा अंतस्थ है वो अल्प प्राण है, क्या है, अल्प प्राण है, याद रखिएगा है ना। और कहा जाए जितने भी नासिक, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं यहाँ पर कि वर्ण का कौन सा वर्ण नासिक व्यंजन है जो नाक से बोलते हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, तो पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन है, सब में अना ना आ रहा है, अंगा या ना ना मा, मतलब ये जो पाँच नंबर का है उसमें ना हमेशा क्या आता है, नासिक व्यंजन आती हैं, ना का यूज़ होता है ना, मतलब मुख नाक का यूज़ होता है, यहाँ बोलते हैं नाक या ना ना मा
तो सब में नाक का यूज होता है, नासिक व्यंजन है, ठीक है। कौन सा वर्ण नासिक व्यंजन होता है बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें चलते हैं अल्पप्राण महाप्राण में, ये तो हो गया, अभी हो गया अल्पप्राण। दूसरा आता है महाप्राण। अब महाप्राण क्या है भाई? तो महाप्राण में क्या होता है कि यदि मुंह से निकलने वाली सांस की मात्रा अधिक हो, यही वाला सेम, इसमें कम थी इसमें ज़्यादा, मुंह से निकलने वाली सांस की मात्रा ज़्यादा हो इसमें, तो उसे हम लोग बोलते हैं महाप्राण, ठीक है। जैसे ख ख बोलेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा ना, घ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में देखते हैं, दूसरे में क्या बोले थे कि वर्ण का प्रथम तृतीय और पंचम, तो बचा कौन कौन है, द्वितीय और चतुर्थ, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखे कि वर्ण का, वर्ण समूह का द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण, ठीक है, महाप्राण कहलाता है ना। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तीसरा हम क्या लिखे थे, जितने भी अंतस्थ थे, तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जितने भी उष्ण व्यंजन है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, जितने भी उष्ण व्यंजन है वो सब क्या है, महाप्राण है। स स स ह, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका व्यंजन के बारे में जानकारी। चलिए और व्यंजन के और तरीके जानते हैं, कैसा व्यंजन होता है। आगे आते हैं संघोष, संघोष है ना। तो संघोष क्या होता है कि जब स्वर यंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती हैं, तो ऐसी ध्वनि संघोष कहलाती है ना। मतलब स्वर यंत्रियां हैं वो क्या करती हैं, कंपन करती हैं ध्वनि के साथ उच्चारण में सहायता करती हैं, इसको हम लोग कौन से बोलते हैं, संघोष कहते हैं। अब जैसे कि रा बोल कर देखें, रा या ला वा, ठीक है। मतलब आपको क्या बोलते हैं कि जो ध्वनि यंत्र है हमारे, है ना, ये जो वो जो ध्वनि है वो अगर एक दूसरे के निकट आती है, र बोले तो जीभ है, जीभ है नीचे, आप बोलकर देखिए जीभ है वो नीचे की ओर आती है। मतलब क्या होता है कि जब, संघोष के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कि जब स्वर यंत्रियाँ एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती, तो ऐसी ध्वनि को हम लोग बोलते हैं संघोष, क्या बोलते हैं, संघोष, और इसको हम बोलते हैं संघोष। ये तो क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक वर्ण समूह का, है ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ण समूह का तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा है ना और चौथा, ये दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये पहला को कर दिया था, सॉरी क्या बोले मैंने, वो तीसरा कौन सा है, एक दो तीन, ये तीसरा चौथा और ये पांचवा, तीसरा चौथा और क्या है, पांचवा। देखिए उस टाइम हम लोग कंतमुत ओ आ उसमधि वाले में पढ़े थे, उसमें पहला तीसरा वाला था ना, तो इसमें कन्फ्यूजन हो गया था मैं, इसलिए इसको पहले को ये गोला कर दिया था, ठीक है। तो संघोष क्या होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा और पांचम वर्ण क्या कहलाता है, संघोष कहलाता है। मतलब ग घ अंग वाला जो वर्ण है ये क्या है, संघोष है, याद रखिएगा संघोष, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, जब स्वर यंत्रियाँ पास पास आती है, ठीक है, और ध्वनि उत्पन्न करती है तो संघोष है, है ना। जैसे कि हम लोग इसको बोल ग घ अंग है ना, ये बोल कर देख लेते हैं ना। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि जो तीसरा चौथा और पाँचवा है ना, क्या क्या, तीसरा चौथा और पाँचवा वो क्या है, संघोष है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पूरा का पूरा जो अंतस्थ है, अंतस्थ व्यंजन, हम लोग पिछले जाकर देख लिए अंतस्थ व्यंजन में किसको कहा हूँ, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, या र लवा, ठीक है, या र ल वा, ये सब कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है ना। तो अंतस्थ व्यंजन है वो पूरा पूरा क्या है, संघोष है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और को जोड़ना है, ह, हम लोग जानते हैं कि ये स स स, ये र कौन है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है।
और ये सा ये उष्ण है, उष्म है। तो ये तो यार अलावा पूरा कम्प्लीटली संघोष ही है ना, लेकिन ये उष्ण का जो हा है वो भी संघोष के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इसको कोष्टक में लिख दिया हा, ठीक है, संघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट चलता है अघोष, किस में चलते हैं, अघोष में चलते हैं। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं, है ना, और वायु तंत्रियाँ बिना कंपन के निकलती हैं, और वायु है जो स्वर यंत्रियों से बिना कंपन के निकलती है, जैसे कि स स ऐसा बोलेंगे, बिना कंपन के निकलेगा, ठीक है, तो उसको अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि वर्ण का, वर्ण समूह का पहला एवं दूसरा, देखिए तीसरा चौथा और पांचवा तो हो गया था उसमें, तो अब बचा कौन, दूसरा और पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, तो वर्ण समूह का पहला एवं दूसरा व्यंजन, ठीक है, है ना, वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अघोष। पहला पॉइंट ये है कि अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ हैं दूर रहती है तथा वायु स्वर तंत्रियों के बिना कंपन के निकलती हैं, ठीक है, बिना कंपन किए निकलती है। जिसके र बोलते हैं तो कंपन करती, यहाँ पर र बोलते हैं तो कंपन करती है ना, यहाँ पर नहीं करती, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा, तो पहला हम कौन आता है, क ख, कोई कंपन नहीं करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग लिखे तीसरा पॉइंट में कि समस्त अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है, संघोष है। तो यहाँ पर केवल स कुछ उष्ण, उष्म, उष्म व्यंजन, जैसे कि स स ह, स स स स स जी, हा को नहीं हटाना, ना को नहीं लेना, ठीक है, स स स, यही क्या है, अघोष व्यंजन है। क्या है, अघोष, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ को हम लोग ऊपर ले गए थे, ठीक है। इस तरह व्यंजन के अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग पॉइंट के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, व्यंजन को। और बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा, कई बार हम लोग उसको अलग अलग तरीक़े से भी मापते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी क्या है, अनुनासिक क्या है, प्रकंपित क्या है, ठीक है, चलिए इसको ही बताते हैं। आगे स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें हम लोग जो यंत्र है स्वर यंत्र उसकी स्पर्श के आधार पर समझ सकते हैं। पहले हम देखे थे वो उच्चारण के आधार पर था, ठीक है, उच्चारण की स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजन को 8 वर्णों में बांटा गया था, कंतमूद ओ औसमदी, कंठव्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य और उसके औष्ठ्य उष्टिक बाद और कंतमुद ओ औसम द्वि, ठीक है, द्विगुणन, ऐसे बहुत सारे भागों में बांटे गए थे, है ना। तो किसके आधार पर था, व्यंजन के जो उच्चारण की स्थान उसके आधार पर, कंठव्य मतलब कंठ से होती थी, तालव्य तालु से, ठीक है। अब अगर समर्थ व्यंजन को 6 प्रकार से ही बांटते हैं, है ना, अलग, देखिए हर प्रकार से व्यंजन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, कभी होंठ के आवृत्तमुखी के आधार पर, अलग अलग तरीका से, इसलिए ना सब में कभी होती है, इसको रिपीट करके देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन, है ना, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग, जीवा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बताइए, कोई ना कोई भाग को स्पर्श करती है, है ना, जैसे कि क से लेकर अंगा तक, क ख ग घ अंगा, अंगा, क ख ग घ अंगा, क, ठीक है, तो ये स्पर्श व्यंजन, है ना। और दूसरे तरीके से जानेंगे तो जिन मंजरों के उच्चारण में करते समय हवा फेफड़े से निकलते हैं, मुख के विभिन्न भाग जैसे कि कंठ है, तालु है, मूर्ध है, दंत है, ओष्ठ, इसको स्पर्श करते हुए निकलती है ना, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन, है ना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और क से ख अंगा तक जाएं तो वो भी स्पर्श करता है, ठीक है, सब अलग अलग तरीके से स्पर्श करते हैं, है ना, जैसे कि च से छ तक जाएगा, च छ ज झ ऐसे जाएंगे, तो ये सब है एक दूसरे, क्या करते, च तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि च है वो स्पर्श संघर्ष में आएगा, स्पर्श में नहीं आएगा, है ना, तो क से ग तक, क वर्ग, है ना,
है ना, जो क वर्ग है तथा च से यहाँ तक च वर्ग है ना। तो जैसे क से अंगा तक है, उस अंगा में हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क क वर्ग क के नीचे जितने भी होते हैं क ख ग गंगा च छ ज यहाँ, तो क वर्ग क क ख ग घ ये सब आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क वर्ग बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मिलेंगे आपको, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन है ना। स्पर्श व्यंजन में देखेंगे तो ये पूरा कंठ वे तालु वे सबको ले लेते हैं एक साथ, है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जैसे कि देखिए कि क वर्ग है, च वर्ग है और ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये सब जने स्पर्श है, ठीक है। अब दूसरा आता है स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होती है। स्पर्श संघर्षी मतलब क्या होता है कि यदि जो दो व्यंजन है ना, उसको बोलने में जो हमारे स्वर यंत्र जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, मतलब एक दूसरे को बोलने जो वर्ण को बोलने के लिए एक्चुअली में जो वर्ण है उस वर्ण को बोलते हैं, जो स्पर्श व्यंजन है स्पर्श भी करता है और उसके लिए संघर्ष भी करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे बोलने में हमको दो जो स्वर यंत्र हैं, दो दो जो स्वर से संबंधित यंत्र हैं, वो स्पर्श भी करेंगे और संघर्ष भी कैसे करेंगे। जैसे कि च, च बोलते हैं तो च बोलने में च जीभ का जो एंगल है वो बदलते रहता है ना, और अधिक समय लगता है। जैसे कि छ, ज, झ, इसको बोले तो दो वर्ण है एक दूसरे से स्पर्श करते हैं और संघर्ष कर ऐसा लगता है, मतलब हमको अधिक बल लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अधिक बल लगती है ना, ये स्पर्श संघर्ष है। और या तो अनुनासिक, अलग तरीके से बांटा गया ना अनुनासिक। अब अनुनासिक तो नाम से स्पष्ट है ना, कि जिसका उच्चारण ना से नाक के आधार पर हो, मतलब जब बोलेंगे तो जैसे कि इया, ना, ना, म, ना, मतलब जो वर्ण है उसका जो वर्ण समूह उसका जो पंचम वर्ण है ना वो अधिकतर ना नासिक के माता है, अनुनासिक में आती है, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन देख लेते हैं, पार्श्विक व्यंजन है ना, तो पार्श्विक व्यंजन में भी बहुत सारे आते हैं। पार्श्विक स्पर्श तो क्लियर हो गया, जैसे कि क ख ग घ ट ठ ड ड त थ द ध प फ ब म, इतना आएगा, कंफ्यूज मत करें अपने आपको, ठीक है। स्पर्श संघर्ष में देखें तो च छ ज झ ये आएगा। अनुनासिक में देखें तो अनुनासिक में इया है, ये ई नहीं है ना, इया है ना ये। पार्श्विक में देख लेते हैं तो पार्श्विक में ल आता है, ल, ठीक है, पार्श्व भाग में आता है, ठीक है। पांचम देखे तो संघर्षी, ऐसे संघर्षी को ना इसके बाद बताया जाता है तीसरा नंबर में, लेकिन संघर्षी को मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या होता है कि संघर्षी का मतलब क्या होता है, जिसके ये स्पर्श था, स्पर्श जस्ट बाद संघर्षी बताना था, उसके बाद स्पर्श संघर्षी है ना। तो संघर्षी क्या होता है कि जब दो किसी वर्ण को बोलते समय ना दो जो हमारे स्वर यंत्र हैं आपस में संघर्ष करते हैं, कैसे, फ स्पर्श करते दोनों एक दूसरे को, स, स करते हैं तो हवा भी एकदम तेज से आती है और बल भी लगता है, संघर्ष करती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये फ, फ, ह, ज, स संघर्ष करें, इसके संघर्ष तो संघर्षिक बाद इस पर संघर्ष पा लेना आप, ठीक है। छठवां में चलते हैं हम लोग, प्रकंपित, प्रकंपित, प्रकंपित मतलब जिस वर्ण को बोले हम, हमारा जो स्वर यंत्र है जैसे कि जीभ है वो कंपन करें, जैसे कि रा, मैं बोलकर बता रहा हूँ आप भी बोलकर देख लीजिए रा करके, तो प्रकंपित होती है, ठीक है। सातवां आता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब छिप हो ना, एक प्रकार कैसा होता है कि ये जो दो वर्ड्स बनता है एक्चुअली में ड और ढा है ये, लेकिन यहाँ पर अढ़ा और पढ़ा कह देते हैं इसको, अढ़ा, ठीक, उत्क्षिप्त ही है ना। आठवां आता है अर्धस्वर,
अर्ध स्वर, जैसे कि स्वर हम लोग जानते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को बोलने से हमको लास्ट में कोई भी व्यंजन को बोलने के लिए हमको स्वर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे है जो कि य और व, ठीक है, इसको अर्ध स्वर कहते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है य और व, ठीक है, ओके। इस तरह से व्यंजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे, हो सके तो, है ना, लिंग वगैरह हम चलेंगे, नहीं तो शुद्ध अशुद्ध में चलेंगे, या तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके।